हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कल ई कॉमर्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट, चैप्टर नंबर 6। तो अब वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है, आई होप आप लोगों को बड़ा बढ़िया से पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। आज चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं और आज ही इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट भी कर देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, फिर बाद में करेंगे बात हम लोग रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। अब इसमें बुकिश लैंग्वेज में, उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एक चीज़ समझो, यहाँ पर है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इधर क्या है भाई, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक भी डाउट क्लियर आपका नहीं रह जाएगा और इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा बनेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है कि आइडेंटिफाई करना रहे कौन कैपिटल है कौन रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब देखो, समझो आपको, पहले यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब तो समझते हो ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, यानी कि एक्सपेंस, ठीक है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जिसका फ़ायदा किसकी वजह से मिलता है बेटा, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जो फिक्स एसेट पे मिलता है। किस पे मिलता है बेटा, फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट समझते हो, फिक्स एसेट का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग का फ़ायदा 1 साल नहीं मिलेगा, कई साल मिलेगा। मान लो ये सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, अब व्हाइट बोर्ड टूट जाए तो अलग बात है, नॉर्मली 2 साल 4 साल 5 साल तो चलेगा। तो ये क्या होगी, आपकी फिक्स एसेट होगी। आप जो मोबाइल हाथ में लिए हो, मोबाइल भी आपकी क्या है, फिक्स एसेट है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपने खरीदी, ऐसा कोई भी खर्चा किया जिसका फ़ायदा, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है, वो क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहली चीज़ जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, दूसरी चीज़ ऐसा खर्चा जो फिक्स एसेट पर होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब रेवेन्यू पे आते हैं, अभी कैपिटल में और डिटेल में बात करेंगे, अभी पहले अपना बेस बनाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिलता है। कितना मिलता है बेटा, 1 ईयर, या फिर आप कहते तो 1 साल, मतलब पूरे 1 साल के लिए मिलता है, 1 साल ज़्यादा के लिए नहीं मिलता, ओनली फॉर करेंट अकाउंट पीरियड। यार लिख सकते हो आप लेस देन 1 ईयर, मतलब इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जिसका बेनिफिट 1 साल तक के लिए ही मिलता है या उससे कम के लिए मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस ये किस पे मिलता है, फिक्स एसेट पे। ये किस पे मिलता है मालूम है, ये मिलता है बेटा आपके करेंट एसेट्स पे। किस पे मिलता है, करंट एसेट पे। करंट एसेट समझते हो, जैसे मान लो ये मैं से मार्कर खरीद के ले आया, ठीक है। अब मान लो मैं मार्कर खरीद के ले आया तो मार्कर का बेनिफिट कितने दिन मिलेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, क्या हो गया आपका, करंट एसेट। अच्छा, आपने इसकी इंक खरीद ली, इंक का बेनिफिट कितने दिन के लिए मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 10 महीना 2 महीना, इंक खत्म हो जाएगी, फिर नई इंक आएगी। इंक और मार्कर क्या हो गया आपका, करंट एसेट। लेकिन उससे फिक्स एसेट क्या है, अब इसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। समझ में आ रही बात, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या है, फिक्स एसेट है। लेकिन आप जो कान में ईयरफोन लगाते हो है ना, वो क्या है आपका, करंट एसेट है। क्योंकि नॉर्मली ईयरफोन 1 साल से खराब, जल्दी खराब ही हो जाता है। अब आपको कि मेरा ब्रांडेड है, ज़्यादा वारंटी, तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। नॉर्मली क्या होता है, ईयरफोन आपका 1 साल से कम चलता है, वो क्या हो गया, करंट एसेट। समझ में आ रही बात। अच्छा, और डिटेल में बात करते हैं। अब करंट एसेट में वो भी आता है स्टॉक। आपकी मान लो एक शॉप है, ये क्या है बेटा, ये शॉप है। अब शॉप में आप क्या रखते हो, स्टॉक्स रखते हो। स्टॉक का मतलब माल रखते हो, सामान रखते हो, है ना। तो अब चाहे आप जो भी रखो सामान, वो नॉर्मली कर 1 साल के लिए होता है, आता है बिकता है। आप खरीद के ले आए, फिर बिक गया। आप अपनी दुकान में मोबाइल बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मार्कर बेच रहे हो, डस्टर बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, वो आया बिक गया। तो स्टॉक भी आपका क्या हो जाता है, करंट एसेट्स में आता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो नॉर्मली 1 साल के लिए तो होता है, मतलब बिकता जाता है आता जाता है, बिकता जाता आता जाता है। तो इसलिए स्टॉक को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी करंट एसेट बोलते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी है, याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, पहली चीज़। और क्या होता है, जो फिक्स एसेट पर होता है। और तीसरी चीज़ रखना, इसका नेचर होता है
नॉन रिकरिंग। किस नेचर का होता है बेटा ये? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा क्या होता है? रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। अब नॉन रिकरिंग कैसे? बिल्डिंग अब रोज़ रोज़ तो खरीदोगे नहीं, फर्नीचर डेली खरीदोगे नहीं, मोबाइल कंप्यूटर वॉशिंग मशीन ये सब डेली खरीदोगे नहीं, वाइट बोर्ड तो बार बार खरीदोगे नहीं, मतलब एक साल में कई बार तो लोगे नहीं। तो नॉर्मली आपने एक बार फर्नीचर ले लिया, दो चार साल की फुर्सत हो गई, तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं आपके? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। आपने फर्नीचर खरीदा, क्या हो गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या हो गया बेटा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने मान लो मोबाइल खरीदा, क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने मशीन खरीदी, क्या हो गया बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार ली, बुलेट ली, बाइक ली, कुछ भी खरीदा, सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें क्या आएगा आपका? ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग में आपने स्टॉक्स मार्केट से लेके आए, सामान लेके आए बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, आपका करंट एसेट। आपने ये मान लो मार्कर खरीदा, ये क्या हो गया? करंट एसेट। आप ऐसी कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हो जिसका बेनिफिट एक साल से कम के लिए मिलता है भाई साहब, वो क्या होता है आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप ऐसा कोई भी खर्चा करते हो जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, वो क्या होता है? वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, अब और डिटेल में जाते हैं हम लोग कैपिटल रेवेन्यू में। ये बुकिश लैंग्वेज में तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रटने वाला काम है। अब समझो क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल रफ करूँ? चलो अब देखो एक चीज़ समझो, और भी क्या होता है कि मान लो आपने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी। कौन सी? सेकेंड हैंड कार। अच्छा सेकेंड हैंड छोड़ो, पहले आप बताओ आपने न्यू कार खरीदी, कार कैसा खर्चा है पहले ये मुझे बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अगर आपने कार खरीदी कैसा खर्चा है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी बच्चा कार खरीदेगा तो कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही बात? उसके बाद आपने मान लो एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, ये लिखा तो है, आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी, कैसा खर्चा है बताओ? कैपिटल की रेवेन्यू, ध्यान से सोचो कैसा खर्चा है? कैपिटल ही होगा, याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई खरीद तो फिक्स एसेट ही रहे हो ना, चाहे सेकेंड हैंड खरीद के लाओ चाहे फर्स्ट हैंड खरीद के लाओ, वो क्या कंसीडर किया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसीडर किया जाएगा, इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझो, अब आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। कौन सी कार खरीदी बेटा? सेकेंड हैंड कार खरीदी। ठीक है, अब सेकेंड हैंड कार खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपने उसको यूज़ में नहीं लाया। सेकेंड हैंड कार से लिखा है परचेज सेकेंड हैंड कार 2 लाख रुपीज़। कितने के लिए? 2 लाख रुपीज़ की। एंड रिपेयर रुपीज़ 5000 बिफोर यूजिंग इट। ध्यान से देखना, आप इस लाइन को जो है हाईलाइट करो, क्या बोल रहा है? सेकेंड हैंड कार खरीदी कितने की? 2 लाख रुपए की। अगर आगे नहीं लिखा है तो कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, अभी समझो, लिखा है एंड रिपेयर 5000 बिफोर यूजिंग इट, यूज में लाने से पहले उसमें कुछ रिपेयर कराया, उसकी पेंट कराया, कुछ भी कराया, ये सब, ये 5000 भी कैसा खर्चा आएगा बेटा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। याद रखना, आप कोई भी सेकेंड हैंड सामान खरीदो, नया हैंड सामान खरीदो, किसी भी तरह का सामान खरीदो, लेकिन अगर इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले आप कोई भी खर्चा उसमें लगाते हो, वो क्या कंसीडर होगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? लेकिन आप मान लो मेरे पास एक कार पहले से थी, ये मेरी एक कार है, अब हंसना नहीं भाई, यही मेरी कार है। ठीक है, अब ड्राइंग है तो ऐसी क्या कर सकते हैं, क्या है मेरी एक कार है, इस पे देखो आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये गाड़ी चला रहे हो, ठीक, गाड़ी चल रही है, तो अभी ये कार है, तो अब इस कार, दो पहिए कार हो गया, तीन चार, ये कार है। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है इसमें? सेकेंड हैंड मतलब मेरे पास पहले से कार है, अब इसमें कुछ खराबी आ गई, इंजन में खराबी आ गई, या नॉर्मली मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, 1000-2000 खर्चा है, मैंने इसको बनवाया, रिपेयर कराया, रिपेयर कराने में 2000 रुपये लग गए, कैसा खर्चा? कैसा खर्चा? याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर यूज़ में लाने से पहले आपने उसको इस्तेमाल, उसको डेंटिंग पेंटिंग कराया, उसको रिपेयर कराया, कुछ भी कराया,
कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपके पास कोई चीज पहले से खराब हो गई, उसको रिपेयर कराया, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझो, यूज़ में लाने से पहले वाली कोई भी चीज़ खर्चा हो कैपिटल है, जो यूज़ में पहले से मेरे पास क्या, वो क्या होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो मेरे छत में पंखा चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, अब ये फ़ैन ख़राब हो जाए आज, इसको मैं बनवाऊँगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ कि अगर ये मैं फ़ैन जो मेरे छत पे चल रहा है ख़राब हो गया अभी चलते चलते, इसको जाके मैंने 500 रुपये दे के बनवाया, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, 1 2 3, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कमेंट किया होगा। तो कैसा खर्चा होगा बेटा, ये खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों, क्योंकि ये फ़ैन मेरे पास पहले से है, इसको मैंने बनवाया है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो अभी, यूज़ करते करते गिर गया हाथ से, ठीक है, गिरेगा नहीं, टेंशन लो, मान लो यूज़ करते करते गिर गया, कैसा खर्चा भाई, सोच के बताओ कैसा खर्चा, मतलब गिर गया तो उसको बनवाने में 1000 रुपये लग गए, उसका टच टूट गया, उसको बनवाने में जो 1000 रुपये लग गए, जो कॉस्ट लग गई, कैसा खर्चा, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन मोबाइल टूट गया, आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, तो उन्होंने ला के दिया, तो जो नया मोबाइल आया कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में सामने कॉन्टैक्ट कर लेना। एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, एक लास्ट चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती आपको रेवेन्यू नेचर की है, लेकिन वो होती कैपिटल नेचर की है। जैसे मान लो आप एक घर बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो बेटा, बिल्डिंग बनवा रहे हो, बिल्डिंग बनवाने का कैसा खर्चा है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग बार बार नहीं बनती, बिल्डिंग किस नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर है, और यहाँ पर क्रिएट क्या हो रहा है बेटा, फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है। तो जब फिक्स एसेट क्रिएट होती है और इसका फायदा भी 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो ये क्या है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिल्डिंग को बनवाने में क्या हो रहा है, आपका ईटा लग रहा है, ब्रिक, सीमेंट, सोल, मिट्टी, ईटा, लेबर, लेबर भी चाहिए। तो अब ये लेबर जो है बिल्डिंग बनाने के लिए है भाई, लेबर को आप डेली 500 रुपये देते हो, कहे का वेजेस देते हो उसको काम करने का, समझ में आ रही बात। सीमेंट आपकी हर 2 दिन पे आ रही है लद लद के भाई, वो छोटे वाले जो हाथी होते हैं ना आपको, उससे लद के आ रही, ईटा आ रहा है कुछ दिन पे। अब ये बताओ, ईटा सीमेंट बालू बार बार आ रहा है, बार बार खर्चा हो रहा है, लेबर को डेली 500 रुपये खर्चे दे रहे हो, कैसा खर्चा, सोच के बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट, ध्यान समझना। आप लोग लेबर को 500 रुपये डेली दे रहे हो, या ईटे बालू का पैसा डेली दे रहे हो, हर 5 दिन पे 10 दिन पे बार बार लग रहा है, कैसा नेचर लग रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन याद रखना बेटा, जो लेबर को वेजेस दे रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उससे बन क्या रहा है बेटा, बिल्डिंग, और बिल्डिंग होती क्या है, फिक्स एसेट, और उससे क्रिएट क्या हो रही है, फिक्स एसेट, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, लेबर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात, है ये रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस खर्चे से हमारा बन क्या रहा है बेटा, बिल्डिंग बन रही है, सो इट विल बी कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, बट हमें लगती है क्या, हमें लगती है वो सॉरी हमें कुछ होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, बट हमें लगती है रेवेन्यू नेचर की, तो वो रेवेन्यू नेचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप जहाँ तक जितना आपको बताया अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, अब करूँ, चलो अब बताओ। मिस्टर महेश, एक मिस्टर महेश है और परचेजिंग अ न्यू कार, उन्होंने एक न्यू कार खरीदी है 5 लाख रुपीज़ की। तो अगर किसी ने न्यू कार खरीदी है, कैसा खर्चा होगा बेटा वो, जल्दी बोलो, 1 2 3 जल्दी बताओ, कैसी क्या होगा वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मेरा एक मान लो फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर था, ख़राब हो गया, उसको बनवाने में 2000 रुपये लगे, ख़राब हो गया, आया मैकेनिक बना के चला गया, कैसा खर्चा, जल्दी बताओ, रिपेयर कराया पहले से था, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड। अच्छा मान लो कि जो है आपके सर के बाल काट दिए गए,
आप सर के बाल अपने जाके कटवा रहे हो, कैसा खर्चा सोच के होता है? हालांकि ये लेके नहीं आएगा, फालतू बात है, लेकिन तब भी सोच लो कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बाल बार बार कटवाते हो ना यार, जिंदगी भर थोड़ी रखे रहोगे, समझ में आ रही बात? अच्छा, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, कैसा खर्चा सोच के बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बार बार खरीदता है ना आदमी, अब एक कपड़ा ले लिया 5 साल थोड़ी चलेगा, समझ में आ रही बात? अच्छा, आपने कंप्यूटर खरीदा, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एनुअल वाइट वॉशिंग कराया, आप मतलब हर साल अपने जो भी आपका ऑफिस है उसकी पेंटिंग कराते हो, हर साल कराते हो, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, हर साल, एक साल में एक बार, एक ही बार होता है लेकिन हर साल, एवरी ईयर होता है, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्नीचर खरीद लिया, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी सामान खरीदा दोबारा रीसेल करने के लिए, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आप रीसेल करने वाला जो होता है वो स्टॉक के अंदर कंसीडर किया जाता है, समझ में आ रही बात? तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे इसको आप रिपेयर करोगे और वो सब खर्च में जाएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन आप यूज़ में लाने से पहले कोई भी खर्चा करोगे वो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक सेकेंड हैंड वैन खरीदी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराने में 1,000 रुपये लग गया, तो वो कैसा खर्चा हो गया बेटा आपका, कैसा खर्चा हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि यूज़ में लाने से पहले हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब बुक इस लैंग्वेज में देख लो क्या लिखा है, लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स, वही जो बताया थी देर तक, एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसका फायदा हमें ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। फिर है दूसरा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें विद इन विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर, जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के लिए मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब एक इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही बताता हूँ, देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, बच्चे अक्सर नोट्स के लिए पूछते हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप जाके सर्च करो कि लिखना वहाँ पर कि कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग, आप लिख देना सर्च पे, आपको नोट्स सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग नोट्स चाहते हो PDF फॉर्म में, इस साल का न्यू एकदम जिसमें आपको आप चाहिए तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है, जिसके लिए आपको पर चैप्टर पे करने होंगे 15 रुपीज़, ठीक है, उसको हम लोगों ने बहुत कम अमाउंट रखा है बट पेड है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा है, तो इसलिए उसमें एफर्ट लगा है, उसको लिखवाया गया है, तो इसलिए वो 15 रुपीज़ पर आपको चैप्टर पड़ेगा, एक चैप्टर में 15 रुपीज़। उसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको मिलेंगे MCQs प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और जो सैम्पल पेपर वगैरह उन सारे के बारे में भी आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर, अदरवाइज़ आप हैंड रिटन नोट चाहते हो जो पुराना अपलोडेड है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सेम काम वो भी करेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए, ठीक है। अगला है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जी समझो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा मिले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या, जिसका बेनिफिट एक साल से कम के लिए मिले। अब ये क्या है, डेफर्ड क्या है, तो डेफर्ड का मतलब होता है जिसका बेनिफिट बेनिफिट फॉर मोर देन वन ईयर, जिसका फायदा एक साल से ज़्यादा के लिए मिले, वो क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में आ रहा हो सर यही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी था, तो अब ध्यान से समझना। देखो, जिसका फायदा एक साल से ज़्यादा के लिए मिले वो है आपका क्या, वो आपका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है वो फिक्स एसेट की वजह से नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात, ध्यान समझना। मतलब जिसका फायदा एक साल के लिए, एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है लेकिन फिक्स एसेट की वजह से मिलता है, फिक्स एसेट की वजह से मिलता है वो क्या होता है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जिसका फायदा एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है लेकिन वो
फिक्स एसेट की वजह से नहीं होता है बल्कि किसी और वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर वो और वजह होती क्या है बेटा, उसको याद रखना। और वजह में आता है सबसे पहला रीज़न होता है हैवी एडवर्टाइजमेंट। तो आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी, मतलब आप 2000 के आते तो आपने 2 लाख की एडवर्टीजमेंट कर दी, 5 लाख की, करोड़ों की एडवर्टीजमेंट कर दी। तो अगर आप हैवी एडवर्टीजमेंट कर देते हो वो किस में कंसीडर किया जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जाना तो बहुत बड़े डिटेल में, लेकिन आपको सिलेबस पे इतना ही पता होना चाहिए कि हैवी एडवर्टीजमेंट कहाँ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इतना याद रखना, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा या उसमें आएगा क्वेश्चन में, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा बिजनेस को शिफ्ट कर दिया मोर कन्वीनियंट प्लेस पे, बिजनेस ऐसे लिख लो शिफ्ट टू मोर कन्वीनियंट प्लेस। मतलब भाई मान लो मेरी जगह है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ करेली में, तो मुझे लगा मैंने अपनी कोचिंग को शिफ्ट कर दिया सिविल लाइंस में, सिविल लाइंस एक थोड़ा सा फेमस एरिया है, तो मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब जब बिजनेस मैंने शिफ्ट किया तो वहाँ पे खर्चा लगा होगा, लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, समझ में आ रही बात। मतलब मैंने एक बार शिफ्ट किया लेकिन उसका फ़ायदा मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलता चला जा रहा है, वो भी किस में आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, समझ में आ रही बात। रिसर्च एक्सपेंसेस, रिसर्च का मतलब होता है आपने कोई रिसर्च पे पैसा खर्चा किया है ना, जिसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, वो भी किस में जाएगा, वो भी आपका बेटा कंसीडर होगा, वो भी आपको कंसीडर होगा कि इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, क्लियर है हाँ कि ना। उसके अलावा एक याद कर लो हैवी रिपेयर्स, हैवी रिपेयर्स भी अगर होगा इस तरह का वर्ड तो वो भी किस में जाएगा बेटा आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। 2 टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको भी बताता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, इसमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस इस आपको सिलेबस का पार्ट नहीं, तो आपको नहीं करना है, बस यहीं तक आपको करना है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था, ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट यानी कि इनकम, रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है इनकम। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, जो कभी कभी होती है तो वो क्या होती है बेटा, वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार होती है वो क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ रही है। तो रिकरिंग रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, और जो सॉरी कैपिटल रिसिप्ट वो जो कभी कभी होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार होती है, समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो कैपिटल रिसिप्ट में सुन लो क्या लिखा है, कैपिटल रिसिप्ट रिफर्स टू, स्क्रीन पे आ रहा हो देखो, रिफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर सच एज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, लोन रेज बाय द फर्म एंड मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रिसिप्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड और ऑफ अ रिकरिंग नेचर, क्योंकि रिकरिंग नेचर की होती है और जिसमें आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हो उसको बेच के जो पैसा मिलता है वो क्या होता है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जबकि ये नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होती है जो कि कभी कभी आपको मिलती है, जैसे आपने मान लो कोई आपकी फिक्स एसेट थी, फर्नीचर था, आपने फर्नीचर पुराना रखा था, आपने उसको बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर को बेच दिया, कैसी रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, समझ में आ रही बात। अच्छा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो रिसिप्ट होती है जो बार बार होती है, मतलब जैसे आपने आपने सेल करा, भाई मेरा बिजनेस मार्कर बेचने का, तो मैंने मार्कर बेचा मुझे पैसा मिला, वो कैसी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने शेयर इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, या आपने बैंक लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सब रिसिप्ट कैसी होगी बेटा, कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि बैंक लोन आप बार बार नहीं लोगे, शेयर आप बार बार इशू नहीं करोगे, डिवेंचर्स आप बार बार इशू नहीं करोगे। अब शेयर डिवेंचर आपको नहीं पता है अगर, तो अभी अभी आने वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो ये सब बार बार इशू नहीं करोगे, सब क्या आपकी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटा, जो कभी कभी हो, मतलब जो जो आपको रेगुलर बेसिस पर होती है, सेल्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट बार बार मिलता रहता साल में 1-2 बार, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका बेटा,
रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ रही बात? तो कुछ चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट में जाती है, कुछ चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट में जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट से हम इस टाइम कॉन्टैक्ट कर लेना। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, मिलेंगे न्यू वीडियो में जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।